मुझे ज्ञात है कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम करता है और उसे अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए मेरे पास आना ही होगा। और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ श्री, और वो भी शीघ्रातिशीघ्र। धन्यवाद गोविंदराज, आपने मुझे वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप भार्गवी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस वचन को आपने निभाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप भार्गवी की सूचना मुझ तक नहीं ला पाते तो? कैसे नहीं लाता श्री, तुम भले ही अपना कोई भी दुख मुझे ना बताओ किंतु फिर भी तुम्हारी समस्त पीड़ाएं मैं समझ ही जाता हूं। मैं बस तुम्हारे मुख पर यही मुस्कान देखना चाहता हूँ श्री, तुम दोनों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ जब एक बार पुनः जब तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक साथ होगे। किंतु अब मेरी बस एक ही चिंता है श्री, राजकुमारी पद्मावती, तुम्हारे और भार्गवी के संबंध को, तुम दोनों के प्रेम को समझ पाएंगी या नहीं। मीरा और श्रीनिवास का विवाह हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भार्गवी को यह समझा कर ही रहूंगी कि अब वो मेरे और श्रीनिवास के मध्य नहीं आ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में राजकुमारी पद्मावती को साथ लाकर तुमने उचित निर्णय नहीं लिया है श्री। पता नहीं राजकुमारी पद्मावती जब भार्गवी से मिलेंगी तो क्या होगा। और इसलिए तो पद्मावती और भार्गवी की भेंट होना आवश्यक है। जब पद्मावती भार्गवी से मिलेगी तभी उसे ज्ञात होगा पवित्र प्रेम क्या होता है। मुझे आशा है कि जब पद्मावती और भार्गवी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो पद्मावती को ज्ञात हो जाएगा कि संसार में श्रीनिवास के हृदय में यदि किसी का स्थान है तो वो मात्र भार्गवी का है, और वो स्थान कोई और नहीं ले सकता। सारथी, शीघ्र गति से इस रथ को आगे बढ़ा, सूर्यास्त से पूर्व मुझे करबीरपुर में पहुंचना है। यही वो एमवी का वृक्ष, जिसके नीचे वर्षों पूर्व एक ऐसी घटना घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप आपका पुनर्जन्म राजा आकाश के रूप में हुआ। अनेकों वर्ष पूर्व एक बार देवी लक्ष्मी नारायण से रुष्ट होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक चली आई। नारायण उन्हें ढूंढते हुए वेश बदल कर पृथ्वी लोक आ गए। हर तरफ ढूंढते ढूंढते यहां वेंकटगिरी चले आए, और इसी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। ताकि वो देख सकें कि देवी लक्ष्मी कहाँ है। वर्षों बीत गए, और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक वल्मीक बन गया। किंतु महादेव से अपने आराध्य की यह दशा देखी नहीं गई। आराध्य, जब तक आपकी ये तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आपका ये सेवक भी आपके साथ ही रहेगा। और इस प्रकार महादेव गाय के रूप में
उस वाल्मीकि के पास प्रतिदिन आने लगे। किंतु एक दिन उस गाय को एक चरवाहा आपके अर्थात चोला नरेश के राज गौशाला में ले आया, किंतु एक समस्या थी। तुम ही लाए थे ना उस गाय को राज गौशाला में, तो बताओ समस्या क्या है श्रेष्ठ? चारा देने के पश्चात भी वो गाय दूध क्यों नहीं देती? ये तो मैं भी नहीं जानता चोला नरेश। तो ठीक है, यदि तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान मैं स्वयं निकालूंगा। और जब आपको ज्ञात हुआ कि वो गाय प्रतिदिन वाल्मीकि पर अपना दुख चढ़ाती है और इसी कारण आपके राज गौशाला में दुख प्रदान नहीं करती, आप अत्यंत क्रोधित हो उठे। चारा हमारा दिया हुआ खाती है और दूध इस वाल्मीकि पर चढ़ाती है, अभी बताता हूं। और क्रोध में आकर आपने उस गाय पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। चोला नरेश, तुम्हें ज्ञात भी है अपनी अज्ञानतावश तुमने जिस पर प्रहार किया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण है। विष्णुवे नमः। मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मैंने आपको आघात पहुंचाने का अपराध किया। नारायण, यह मुझसे क्या हो गया? मेरे कारण आपके रूप में यह त्रुटि रह जाए, आपके केश गिर गए, मेरा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए।